हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास, आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और हमारा चैप्टर चल रहा सेट्स। तो बच्चों, एक चीज मैं बता दूं, सेट्स बहुत वास्ट चैप्टर है, वास्ट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं आपकी। तो इसीलिए अगर हर एक टॉपिक आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपको एक एक टॉपिक क्वेश्चंस के साथ करवा रहा हूँ। हम कैसे कर रहे हैं कि एक टॉपिक हमने किया पहले, एक टाइप ऑफ सेट किया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल हमने उपसमुच्चय किया था, फिर उसके बेस पे हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, आपको पता लगाना था कि इनमें से उपसमुच्चय कौन से हैं, या फिर कुछ दे दिया कोई समुच्चय, उसका उपसमुच्चय बताना है। इस तरह से आप पहले टॉपिक करते हैं और फिर उस पे क्वेश्चन करते हैं। वो इसलिए बच्चों क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसीलिए हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और उसको ऐसे ही नहीं कि टॉपिक करवा दिया फिर आप खुद कर लोगे, नहीं, हम साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चल रहा है सेट्स। अब इसमें देखिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि आपको कुछ समुच्चय दिए होंगे, उनके उपसमुच्चय बताने हैं। अभी हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको बताना है निम्नलिखित समुच्चयों के उपसमुच्चय। उपसमुच्चय यानी सबसेट लिखने हैं आपको। ये बहुत ही आसान होने वाला है आपके लिए क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका, इसमें सेट ए है। बस सेट ए मतलब इसमें एलिमेंट ए है बच्चों, इस सेट का एलिमेंट अवयव ए है। तो इसके उपसमुच्चय क्या हो सकते हैं? जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें एलिमेंट हैं ए बी, तो इसके उपसमुच्चय क्या हो सकते हैं? जो थर्ड पार्ट है ये बताएं आप, तो ये सब आपके सामने है समुच्चय सेट्स। इनके आपको सब सेट्स बताने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फर्स्ट पार्ट इसका, अब ए का सबसेट क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना है। तो ए का सबसेट देखो, एक तो फाई हो सकता है, क्योंकि हमने बोला था, हमने सीखा था कि फाई सब का सबसेट होता है। उसके बाद इसका और क्या हो सकता है सबसेट? हर सेट अपने आप का एक सबसेट होता है, ये चीज भी हमने सीखी थी। तो इसके सबसेट ये हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, ए बी, इसका सबसेट क्या होगा? जब फाइव सबका सेट सबसेट होता है तो इसका भी होगा। इसका एक सबसेट ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। इस तरह से इसके ये सबसेट हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप देखिए कि 1 2 3 है, ये हम कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? देखिए, फाइव तो हो जाएगा, फिर जिसका एलिमेंट 1 हो एलिमेंट, फिर जिसका 2 हो वो भी, 3 हो वो भी। चलिए इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, एक तो 5 हो जाएगा, 1, एलिमेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, या फिर 1 और 2 हो, या फिर 1 और 3 हो, या फिर 2 और 3 हो।
या फिर 1, 2, 3 हो, ये सब इसके सबसेट हो जाएंगे बच्चों। अब बच्चों लास्ट वाला क्या है हमारे पास, फाइव है। क्या है फाइव का सबसेट? सिर्फ फाइव ही होगा, क्योंकि एक रिक्त समुच्चय है उसका सबसेट वो खुद ही हो सकता है, और कोई उसके सबसेट नहीं होंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पावर सेट, ये एक पावर सेट है, इसके कितने अवयव हैं ये आपको बताना है। इस पावर सेट के कितने अवयव हैं? यदि ए, तो अगर सेट ए 5 के बराबर है तो इस पावर सेट के कितने अवयव होंगे? तो बच्चों इस पावर सेट का सिर्फ एक ही अवयव होगा। अगर ये ए 5 है, मतलब ए एम्प्टी सेट है, तो इस पावर सेट का भी सिर्फ एक ही अवयव हो सकता है, और वो है 5। मतलब इसका अवयव कितने होंगे, इसके एलिमेंट कितने होंगे, एक ही एलिमेंट होगा, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। अब बच्चों एक नया टॉपिक आपके सामने आता है, वो आप समझेंगे बहुत अच्छे से, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसको देखिए आप, इसका नाम है बच्चों अंतराल। अंतराल आर के उपसमुच्चय, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, या फिर बच्चों इसको इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, इंटरवल, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, और वो चीज ये है कि अंतराल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। ठीक है, ये चीज हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं, ठीक है, ए एंड बी। तो इनके बीच का क्या अंतराल है, क्या डिफरेंस है, वो हम बोलेंगे, उसको अंतराल बोलते हैं। जैसे कि ए और बी के बीच में कितने नंबर्स आ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए कि ए है 3 और बी है 10, इसके बीच में क्या क्या आ सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 10 आएगा, तो इसके बीच में ये नंबर्स आ सकते हैं। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 3 और 10 के बीच में क्या क्या आ सकते हैं, मान लीजिए एक्स है, ये क्या होगा, इसको हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि एक्स 3 से तो बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो ये क्या है, ये इसके बीच का, 3 और 10 के बीच का इंटरवल है। इसी इन्हीं चीजों को हम बच्चों अंतराल बोल सकते हैं, ठीक है, इंटरवल इनको हम बोलेंगे। अब देखिए बच्चों, हम इसको क्या कहते हैं, उपसमुच्चय के रूप में कैसे दर्शाते हैं, मेन तो यही है। तो इसके लिए हमें दो चीज समझनी पड़ेंगी, कि एक तो होता है विवृत अंतराल, या फिर उसको खुला अंतराल बोल सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, एक होता है विवृत, विवृत मतलब खुला, समझते हो बच्चों, खुला मतलब। तो ये विवृत आपको वर्ड पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, विवृत अंतराल, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं ओपन इंटरवल, ओपन
ओपन इंटरवल इसको बोल सकते हैं। अब देखिए कि इसमें हम ये बोल सकते हैं कि यदि ए बी, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स, ठीक है, ए बी आर को बिलोंग करते हैं, और क्या है, और ए एक्स से छोटा है और बी एक्स से बड़ा है, ये चीज होगी है, तो समुच्चय हम कैसे लिख सकते हैं, तो समुच्चय लिखेंगे हम एक्स सच दैट ए एक्स से छोटा है और एक्स बी से छोटा होगा, स्मॉलर देन बी, इसको लिखेंगे हम, और ये कहलाता है हमारा ओपन इंटरवल या फिर विवृत विवृत अंतराल। कहलाता है, ठीक है, ये विवृत अंतराल कहलाता है बच्चों। अब देखिए इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये भी आप जान लीजिए, अगर इंटरवल इसका ये है, ये इंटरवल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए एक्स के बराबर नहीं है, ए एक्स से छोटा है, ठीक है, मतलब एक्स ए के बराबर नहीं होगा, एक्स ए से बड़ा ही होगा, अगर ए तीन हुआ तो एक्स तीन नहीं हो सकता, एक्स तीन से बड़ा होगा, ये मतलब इसका समझिए आप। तो इस केस में, ऐसे केस में इसको कैसे दर्शाएंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे इसे, छोटा ब्रैकेट हम लगाएंगे और ऐसे इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, ये चीज आप समझ लीजिए, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो इंटरवल है, अंतराल है, ये टॉपिक बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये कक्षा 12 में भी आपका आने वाला है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझें, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में इसको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए जो अंतराल है ये दो तरह के होते हैं, मैंने बताया एक तो ओपन इंटरवल और दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलते हैं संवृत अंतराल, क्या बोलेंगे बच्चों, संवृत अंतराल। संवृत अंतराल या फिर इसको बंद अंतराल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको बंद अंतराल भी बोल सकते हैं, यानी क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल इसको हम बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो क्लोज्ड इंटरवल होता है उसको कैसे हम दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा कि क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में, यहां पे ध्यान देने वाली चीज है, जो ए और बी है, सारा खेल उसी का है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, और जो इसका अंतराल है वो हम कैसे दर्शाएंगे, जो क्लोज्ड इंटरवल था उसमें हम, जो ओपन इंटरवल था, जो ओपन इंटरवल था, खुला अंतराल था, उसमें इस तरह से दर्शाते थे, लेकिन इसमें हम दर्शाएंगे कि ए या तो x के बराबर हो सकता है, या फिर x मतलब a के बराबर हो सकता है, या x a से बड़ा हो सकता है, इसी तरह या तो b x के बराबर हो सकता है, या फिर b x से बड़ा हो सकता है, या फिर x b से छोटा होगा, या x b के बराबर होगा, तो ये हो गया इसका अंतराल, ये फर्क आ गया अंतराल में, जो आपका ओपन इंटरवल था उसमें ये बराबर नहीं थे a और b x के, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, है, तो समुच्चय, अब समुच्चय क्या होगा इसका, समुच्चय हो सकता है x सेट a smaller than equal to x smaller than equal to b, ये होगा, इसको हम
क्या बोलेंगे, समवृत्त अंतराल कहलाता है। सो दिस सेट इज नोन एज क्लोज इंटरवल, दिस सेट इज नोन एज क्लोज इंटरवल। ओके, अब देखिए इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, मेन चीज यहां पे आती है, इसको आप दिखाएंगे कैसे, इसे स्क्वायर ब्रैकेट से प्रदर्शित करेंगे बच्चों, जो बड़ा ब्रैकेट होता है उससे प्रदर्शित करेंगे। बस ये चीज आपका ध्यान देने की है कि जो क्लोज इंटरवल है उसको कैसे आप प्रदर्शित करेंगे और जो ओपन इंटरवल है उसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं, इतना ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें आता है या तो एक बंद और एक खुला अंतराल, इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे एक तो बंद होगा और एक अंतराल खुला होगा। एक बंद और एक खुला अंतराल, इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए जो या तो ये इस तरह से हो सकता है x सच दैट a इज स्मॉलर देन x, x से a तो छोटा होगा लेकिन b इक्वल टू हो सकता है। एक तो ये सेट हो गया, इसको हम कैसे दर्शाएंगे बच्चों, इसको देखिए कि जिस तरफ इक्वल टू होता है वहां पे हमने क्या लगाया था, इक्वल टू होता है मतलब इसको बोलते हैं बंद अंतराल, क्या बोलते हैं इसको, बंद अंतराल, जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाता है, जहां पे ये एक्स के बराबर बी भी हो जाता है, और इसको प्रदर्शित करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, मतलब जिस तरफ इक्वल टू आ गया उस तरफ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, और जिस तरफ बराबर है नहीं आया, यानी ये कौन सा हो गया, ये खुला अंतराल हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, तो इस तरफ हम छोटा ब्रैकेट ही लगाएंगे। बस हमें क्या देखना है, हमें वही चीज देखनी है कि ये साइन कौन सा है, या तो ये स्मॉलर देन का साइन है या फिर स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन होगा। अगर यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन हुआ, इसका मतलब हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट से इसको प्रदर्शित करेंगे, नहीं तो हम छोटे वाले ब्रैकेट से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखिए इसका हम उल्टा करके देखते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए x सच दैट a, यहाँ पे a इज स्मॉलर देन इक्वल टू x और ये छोटा है b से, इस तरह से दर्शा दिया जाए, तो इस बार देखिए इक्वल टू का साइन किस तरफ है, a की तरफ है, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा और b की तरफ छोटा ब्रैकेट आ जाएगा, इस तरह से इसको दर्शाते हैं। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि आपको पता है अगर मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन y, इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन y इसका मतलब है x बड़ा है किससे बड़ा है, x बड़ा है y से, ये चीज आपको पता है, पता होनी चाहिए बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि x इज स्मॉलर देन y, मतलब आप बोल सकते हैं x छोटा है किससे, y से, और बच्चों अगर हम ये बोल दें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब x या तो y से बड़ा है या y के बराबर है, ठीक है, इसका मतलब ये है, और अगर बोल दिया जाए x इज स्मॉलर देन इक्वल टू y, मतलब या तो x y से छोटा है या y के बराबर है, ये मतलब होता है बच्चों इनका। तो ये आपसे उम्मीद की जाती है कि ये चीजें आपको पता होंगी। अब इसके बेस पे कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित,
निम्नलिखित को निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। अंतराल रूप में लिखने हैं आपको। दिया क्या है, पहले तो इस चीज पे आप फोकस करेंगे, इस चीज पे ध्यान लगाएंगे कि यहाँ पे दिया क्या है। तो यहाँ पे आपको गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब x बिलोंग्स टू r। और दूसरी बात आपको यहाँ दी गई है -4, -4 इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6, ये दिया है। अब इसको अंतराल रूप में कैसे दर्शाएंगे आप, ये ध्यान देने योग्य है। अभी हमने किया था कि अंतराल रूप में इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो नंबर्स हैं वो लिख लेंगे, -4 और 6। अब बच्चों ब्रैकेट का ध्यान देना है कि कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, बस आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए इसको, तो क्या बताया था मैंने, जिस तरफ इक्वल टू का निशान होगा, किस तरफ है, 6 के साथ है, एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6, मतलब एक्स 6 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो 6 की तरफ क्या है, इक्वल टू का निशान है। तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आता है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आता है, और जिस तरफ इक्वल टू का निशान नहीं है वहां पे हम छोटा ब्रैकेट लगाते रहते हैं। बस इसी तरह इसको प्रदर्शित करेंगे, इसी तरह इसको दर्शाएंगे। अब बच्चों आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर बोल दिया जाए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग करता है, और -12 इज स्मॉलर देन एक्स इज स्मॉलर देन -10, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, ये आप बताइए। तो आप के सामने मैंने ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, एक क्वेश्चन भी कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया टॉपिक, तभी आपको पता लगेगा। तो थोड़ा सा समय लीजिए आप और जल्दी से इसको सॉल्व करके देखिए। तो बच्चों आ गया, क्योंकि ये बहुत देर का क्वेश्चन नहीं था, बहुत समय इसमें नहीं लगना चाहिए। तो क्या आंसर आया आपका, बताइए जरा, देखिए क्या आंसर आया है आपका, दो नंबर से यहाँ पे 12 और -10। बस हमें ब्रैकेट का ही तो पता करना है कौन सा आएगा। तो किसी तरफ हमें इक्वल टू का निशान नहीं दिख रहा, इसीलिए दोनों तरफ छोटे ब्रैकेट्स आ जाएंगे, बस सिंपल था। अब और क्वेश्चन देखिए आप, ये है x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड 0 स्मॉलर देन इक्वल टू x इज स्मॉलर देन r, इसको आप सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन और है, इन दोनों को आप लिखेंगे सॉल्व करके, x सच दैट x बिलोंग्स टू r और 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, ये है बच्चों, मतलब जो एक्स है या तो वो 3 के बराबर है या उससे बड़ा है, और या 4 के बराबर या उससे छोटा है, ये चीज है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दर्शाएंगे, यही है बच्चों सोचने वाली बात। तो चलिए आप इसको करके देखिए।
देखिए बच्चों, इसमें भी आपको सिर्फ ब्रैकेट लगाना है, मेन काम वही है कि कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे आएगा। अगर ये पता लग जाता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो थर्ड वाले पार्ट में बताइए कि किस तरह से इसको दर्शाएंगे हम। एक तो जीरो है और एक सात है, तो बड़ा वाला ब्रैकेट किस तरफ आएगा, जिस तरफ इक्वल टू का निशान होगा। ऐसे ही एक तीन है और एक चार है, अब बड़ा वाला ब्रैकेट किस तरफ आएगा, जिस तरफ इक्वल टू का निशान होगा। लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ इक्वल टू का निशान है, इसीलिए हम इस तरह से इनको दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो इनको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है बच्चों। अब किस तरह से इनको लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए। -3 और 0, ये यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूं। बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन किया था हमने उसका उल्टा करना है यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था बच्चों, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि आपको समुच्चय निर्माण रूप में दिया था, उनका अंतराल रूप लिखना था, अंतराल रूप लिखना था। लेकिन यहाँ पे आपको समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसका समुच्चय निर्माण रूप आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R, ये लिख देंगे। उसके बाद आपको इनका इंटरवल लिखना है बच्चों, क्या क्या है, एक तो -3 है और दूसरा है 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ बीच में x होता है, आपको ब्रैकेट देखना है किस तरफ कौन सा है और वही निशान लगा देना है। तो दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है, इसीलिए ये साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह और क्वेश्चन भी हैं जो आप खुद करेंगे। जैसे सेकंड पार्ट इसका देखिए, 6 12, 6 और 12 तीसरा है, 6 और 12। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो थोड़ा सा फर्क आ गया, बाकी नंबर आपके सेम हैं। और जो फोर्थ है वो है -23 और 5। ये किस तरह से करेंगे आपके ऊपर है, देखते हैं कि आप को कितना समझ में आया है। ये आप करके देखें एक बारी, क्या आप कर पाते हैं इनको क्वेश्चंस को। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है ये, और आपको अब कर देना चाहिए बच्चों। तो बच्चों देखिए, लगता है मुझे कि आपका हो गया होगा अब तक। सेकंड वाला इसका पार्ट देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू R,
यहाँ पे क्या इंटरवल है, 6 से 12 तक, बीच में एक्स आ जाता है, हमें ब्रैकेट के हिसाब से करना है बस। ये स्मॉलर देन इक्वल टू होगा दोनों ही, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट कौन से हैं, बड़े वाले हैं, स्क्वायर ब्रैकेट है। नेक्स्ट वाला इसी तरह आप करेंगे, x such that x belongs to R, और ये भी 6 से 12 तक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, ब्रैकेट का, एक तरफ यहाँ छोटा ब्रैकेट है यानी सिर्फ स्मॉलर देन का साइन आएगा, और यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू क्योंकि इस तरफ बड़ा ब्रैकेट है। लास्ट वाला भी इस तरह से ही होगा, x such that x belongs to R, -23 और यह आ जाएगा 5। ब्रैकेट देखिए इस तरफ छोटा ब्रैकेट है और इस तरफ बड़ा ब्रैकेट है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, जो क्वेश्चंस हमने किए हैं और जो टॉपिक हमने किया है बहुत ही जरूरी टॉपिक था आज का, इसीलिए हमने अच्छे से इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हैं इस टॉपिक के आधार पे। अब बच्चों आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।